हेलो दोस्तों, मेरे और आपके एच डी टचर में आप सभी को बहुत स्वागत करता हूं। जो आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली है 6S एप्लीकेशन के ऊपर होने वाली, जो मई के महीने में आपको यूज करने चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से अच्छा एप्लीकेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमारी वीडियो लेट आ रही है। मैं आपको बता दूं, एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आप फ्री में मूवी देख सकते हैं, लेटेस्ट मूवी। मैं आपको बताऊंगा कौन सा होने वाला, इस वीडियो को लगा तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे एच डी टच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक बार समझ देता हूं ये एप्लीकेशन क्या काम आता है। जो भी आप इसमें लिखते हैं उसको अलग अलग डिजाइन में कन्वर्ट कर देता है फॉन्ट को। एग्जाम्पल के लिए मैं हेलो लिखता हूँ इसमें, जैसे हेलो लिखूंगा और मैं आपको स्टाइल पर क्लिक करना, या आप कुछ भी लिखकर स्टाइल पर क्लिक करना। आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें ऐड देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में यही कमी है, जो ऐड देखने को मिलते हैं एक बार देखने को मिलेगा, बार बार नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपको इसको हटा देना है ऐड को। जैसे हमने जो लिखा उसका अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट देखने को मिल गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, बस आपको कॉपी का आइकन उस पर चुनना है और जहाँ आपको लिखना है फॉन्ट को, जो शब्द को आपको लिखना है वहाँ उसको पेस्ट कर दीजिए, आपका जो फॉन्ट है चेंज हो जाएगा। और अब आ जाता है हमारे लिस्ट के दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर, जो होने वाला है शॉर्ट के नाम से। मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन कैसे काम करता है। इस एप्लीकेशन में आपको जो वेबसाइट के लॉन्ग यूआरएल होते हैं उनको आप शॉर्ट में कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से। आपको क्या करना होगा, जो यूआरएल है वेबसाइट का उसको कॉपी करना और इस एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको प्लस का आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना और इसके बाद आपको जो यूआरएल उसको पेस्ट कर देना और आपका जो शॉर्ट है मतलब जो यूआरएल है शॉर्ट हो जाएगा। और अब आ जाते हैं हमारे तीसरे एप्लीकेशन के ऊपर, जो होने वाला पिक्सी वॉलपेपर के नाम से। ऐसी इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है इस एप्लीकेशन की, इसमें सभी कैटेगरीज के वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं, इसमें एक और फ्यूचर देखने को मिलता है जो है लाइफ वॉलपेपर के नाम से, उस आप लाइफ वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है इस एप्लीकेशन को आप वॉलपेपर को मतलब अप्लाई करने से पहले देख सकते हैं तो किस तरह का वॉलपेपर दिखेगा आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर। और आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको अप्लाई वॉलपेपर पर क्लिक कर देना और साइड में आपको सेव का आइकन आ रहा है। अगर आपको मोबाइल की आपको ये वॉलपेपर मोबाइल में सेव करना तो आपको सेव का आइकन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना तो अप्लाई वॉलपेपर पर क्लिक करना और आपका जो वॉलपेपर है वह अप्लाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर के एप्लीकेशन को पर, जो होने वाला एप्लोर के नाम से। इस एप्लीकेशन की अच्छी बात यह है, आपके जितने भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं उनकी पूरी जानकारी रखता है, कौन सा एप्लीकेशन कौन सी परमिशन ले रहा है। जैसे कि इसमें SMS और कॉल की जो परमिशन ले रहा है 19 एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं मेरे फ़ोन में, आपके फ़ोन में भी आपको ये बता देगा कितने फ़ोन ने आपकी परमिशन ले रखी है, किस चीज़ की ले रखी है। और इस एप्लीकेशन की अच्छी बात यह है, आप इसमें जो सिस्टम एप्लीकेशन है उनको भी हाइड कर सकते हैं और इसमें आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बहुत सारे फ्यूचर देखने को मिल जाते हैं। मैं बताता हार जाऊंगा, लेकिन इसके एप्लीकेशन के जो फ्यूचर है वे नहीं खत्म होंगे। आगे बात कर लेते हैं पांचों नंबर के एप्लीकेशन को पर, जो होने वाला रिंग नाम से। इस एप्लीकेशन जैसे ओपन करेंगे तो आपको इसमें पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, जो पासवर्ड ऊपर लिखा आ रहा है उसको ही इसमें लगा देना आपको, इसके अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो ये एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। एंटर हो जाए तो आपको सब जितनी मूवी हो सभी देखने को मिल जाएंगी, हॉलीवुड या बॉलीवुड हो, साउथ हो, कोई सी भी मूवी हो सभी देखने को मिल जाती है। हम इसमें कोई एक मूवी चुन लेते हैं और उसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं किस तरह की देखने को मिलती है। इसमें द वाइफ चुन लेते हैं ये मूवी, और आप जो प्ले का आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करना और आपको सर्वर चुन लेना है। ये देखो दोस्तों, इसकी जो क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक लग रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं ज़्यादा बुरी भी नहीं, मतलब आपका काम है जो चल जाएगा, ठीक ठाक क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दें प्ले स्टोर का जो इसका लिंक है वह कब तक रहेगा मुझे पता नहीं, क्यों नहीं रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है डायलर की कैटेगरीज में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें मूवी देखने को मिलती है, इसलिए प्ले स्टोर वालों को पता नहीं है, अब तक इसको नहीं उड़ा देते। और अब आ जाते हैं हमारे 6 नंबर के एप्लीकेशन के ऊपर, जो होने वाला पिक रिंग स्टॉप के नाम से। ये एप्लीकेशन कैसे काम करता मैं आपको एक बार समझ देता हूँ। इसमें आपको जो फ्यूचर है उनको ऑन कर देना है और जो आपकी जरा सी सेटिंग है जो है पिकअप सेंसिटिविटी, इसको भी अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे आप इसे कर देंगे तो जैसे आपके फ़ोन में कॉल आएगा तो आपको बस फ़ोन को उठाना और नीचे धर देना, जो आपके फ़ोन है वह साइलेंट हो जाएगा बहुत ही आसानी से, आपको कोई भी फ़ोन की सेटिंग वेटिंग खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फ़ोन में भीतर जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन सा एप्लीकेशन सबसे अच्छा लगा उस एप्लीकेशन का नाम के साथ बताइए। और जब जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दबा बेलकन जो निशुक, जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एज टच चैनल ने ये वीडियो अपलोड की है। मेरा नाम अजरुद्दीन, आप देख रहे हैं एज टच।